वो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र का विवाद। जी हाँ, पहले तो बीजेपी के नेता राहुल गांधी से उनका गोत्र पूछते थे, जब राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया तो विवाद थमने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। तो आइए करते हैं राहुल के गोत्र का वायरल टेस्ट। मंत्र बोला और उनसे उनका नाम और गोत्र पूछ जानने के बारे में बताया गया तो उनको पहले से ही अपना कोल दत्तात्रेय गोत्र याद था। आखिरकार राहुल गांधी का कुल और गोत्र सामने आ गया। राहुल गांधी 26 नवंबर को चुनाव प्रचार के बीच प्रसिद्ध पुष्कर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। पूजा कराने वाले पुजारी की माने तो राहुल ने उन्हें बताया कि उनका गोत्र दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय कौल हैं और कौल कश्मीरी ब्राह्मण होते हैं। दरअसल राहुल गांधी के मंदिर मंदिर जाने पर बौखलाई बीजेपी, बार बार उनका गोत्र पूछ रही थी। जो आज अपना गोत्र तक बता नहीं सकता, आप कहते हैं आप जनेऊधारी हैं, तो मैं पूछता हूं क्या गोत्र है आप बताइए। बीजेपी को अपने सवालों का जवाब मिल गया, राहुल गांधी का गोत्र बाहर आ गया। लगा कि विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन विवाद शांत होने की जगह और भी बढ़ गया। बीजेपी के फार ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो फिल्म जॉली LLB 2 की क्लिप ही ट्वीट कर दी, जिसमें मुस्लिम किरदार ब्राह्मण पुजारी के भेष में है। सोशल मीडिया पर राहुल के गोत्र का मसला छा गया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर राहुल के गोत्र की चर्चा होने लगी। बीजेपी समर्थकों ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल दत्तात्रेय गोत्र से कैसे हो सकते हैं, जबकि उनके दादा फिरोज गांधी हिंदू नहीं थे। हिंदू परंपरा में किसी शख्स को उसका गोत्र पिता से विरासत में मिलता है। ये लोग सिनेमा के किरदार हैं, हर फिल्म में अलग अलग डायलॉग बोलते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। हमने राहुल के गोत्र विवाद का वायरल टेस्ट किया। हमने जाने माने इतिहासकारों, धर्म गुरुओं, ज्योतिषियों से बातचीत की। हमारी पड़ताल में कुछ बातें सामने आई। इंदिरा और फिरोज की शादी इलाहाबाद के आनंद भवन में हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई थी। बाकायदा अग्नि के साथ फेरे भी लिए थे। दोनों ने कश्मीर में हनीमून के बाद सिविल मैरिज भी की थी। कुछ लेखकों का दावा है कि फिरोज गांधी ने अपना धर्म बदल लिया था और पारसी से हिंदू बन गए थे। इंदिरा और फिरोज की शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुई थी, लेकिन शादी के बाद फिरोज गांधी ने क्या औपचारिक तौर पर हिंदू धर्म अपनाया था, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखा है कि एक बार जब इंदिरा गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया था। हालांकि फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी हिंदू और पारसी दोनों तरीकों से हुआ था। धर्माचार्यों के मुताबिक अगर कोई इंसान अपना धर्म छोड़कर हिंदुत्व अपनाता है तो भी हिंदू परंपरा के मुताबिक उसे गोत्र नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी अपने पिता के नाना जवाहरलाल नेहरू की वंशावली के आधार पर दत्तात्रेय गोत्र होने का दावा कर रहे हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक इंदिरा गांधी ने भी इसी पुष्कर मंदिर में अपना गोत्र पिता वाला ही बताया था। पंडितों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि राहुल गांधी की ना तो माँ दत्तात्रेय गोत्र की हैं और ना ही पिता थे, लिहाजा ना तो वो कौल ब्राह्मण हैं और ना ही उनका गोत्र दत्तात्रेय है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत बिल्कुल अलग है, वो राहुल गांधी के दावे को सही ठहराते हैं। इनके मुताबिक जवाहरलाल नेहरू कौल ब्राह्मण थे और उनका गोत्र दत्तात्रेय था। नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, इसलिए उनका गोत्र भी दत्तात्रेय। शादी के बाद इंदिरा ने धर्म नहीं बदला, लिहाजा उनका गोत्र दत्तात्रेय ही बना रहा। फिरोज गांधी का कोई गोत्र नहीं था, इस नाते इंदिरा के दोनों बेटों राजीव गांधी और संजय गांधी का गोत्र उनकी मां के गोत्र से माना जाएगा। यानी राजीव गांधी भी कौल ब्राह्मण थे और उनका गोत्र दत्तात्रेय था, इसीलिए राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी का गोत्र भी दत्तात्रेय ही होगा। राजीव गांधी का गोत्र बदला नहीं,
और जो सोनिया गांधी है वो परिवर्तन वो हो गई, यानी कि उसने उसने यहाँ कश्मीरी ब्राह्मण के साथ शादी की, यानी कि उसका परिवर्तन, उसका तो गोत्र था ही नहीं तो वो इस गोत्र में आ गई राजीव गांधी के गोत्र में। राजीव गांधी का गोत्र अगर कोल है तो उस राहुल का भी वही होगा क्योंकि वो भी उसी का लड़का है। जब हम ननिहाल पक्ष में नवासे पर जाते हैं और नाना की संपत्ति को स्वीकार करते हैं तो वही गोत्र प्राप्त होता है जो नाना का गोत्र है, तो उसी क्रम में राहुल गांधी को नेहरू जी का गोत्र जो कि कौल ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र है उसे मान्यता प्राप्त हुई है। हमारी पड़ताल में दो विपरीत धाराएं सामने आईं, एक वो जिसके मुताबिक गोत्र पिता पक्ष से आता है और राहुल के दादा फिरोज गांधी क्योंकि पारसी थे और उनका कोई गोत्र नहीं था, लिहाजा ना तो राजीव गांधी का गोत्र दत्तात्रेय हो सकता है और ना ही राहुल का। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि चूंकि इंदिरा ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था लिहाजा उनके बेटे और पोते का गोत्र उनके दत्तात्रेय गोत्र से ही जाना जाएगा, लिहाजा वायरल टेस्ट में हम राहुल के गोत्र के दावे को ना ही पास कर रहे हैं और ना ही फेल। वाराणसी से रोशन जायसवाल, जम्मू से सुनील भट्ट के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। चुनाव जब भी आते हैं अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा गरम हो जाता है। अयोध्या में सियासत एक बार फिर से चरम पर है। पिछले दिनों शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचे, उनके साथ शिव सैनिकों की भीड़ भी वहां पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पर हजारों के हुजूम वाली ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का सैलाब है, तो इस दावे में कितना दम है आइए देखते हैं। अयोध्या में राम भक्तों का रेला, मंदिर के लिए उमड़ा राम भक्तों का सैलाब, अयोध्या में जुटा हजारों का हुजूम। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तस्वीर छाई हुई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर अयोध्या में उमड़े राम भक्तों की है। इस वीडियो में भगवाधारी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग को लेकर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। वायरल हुए वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को एक मस्जिद के पास भगवा झंडे लहराते देखा जा सकता है। इस वीडियो को और ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी करके लोग दावा कर रहे हैं कि राम भक्त अयोध्या में जुट गए हैं और अब मंदिर निर्माण से कोई रोक नहीं सकता। रवि नागर नाम के फेसबुक यूजर ने 25 नवंबर को यह तस्वीर पोस्ट की और लिखा, कोई भी ताकत लड़ नहीं सकती रामचंद्र के वीरों से, सागर भी डर कर बाहर निकला था श्री राम के तीरों से, अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब, जय श्री राम। इस वायरल तस्वीर का इस वक्त आना और सोशल मीडिया पर छा जाना यूं ही नहीं है। पिछले कुछ महीनों से अयोध्या में राम मंदिर के लिए देश भर में सुख बुगाहट हुई है। यहां तक कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने भी कह दिया कि अयोध्या में उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चल। अयोध्या में मंदिर मसले को हवा तब और मिली जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या पहुंचने का ऐलान कर दिया। ट्रेनों में भर भर कर शिव सैनिक अयोध्या में पहुंचे। जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए और जैसे मैंने कल कहा कि अब चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रहेंगे, कुछ महीने बाकी रहेंगे, एक सेशन अभी आखिरी सेशन होगा, तो चलो लाओ एक कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ। शिवसेना ने तो दावा किया था कि उसके आयोजन में लाखों की भीड़ जुटेगी, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतनी भीड़ जुटी नहीं। कुछ लोग तो शिवसेना के अयोध्या कूच को फ्लॉप शो करार दे दिया। लेकिन इस वायरल वीडियो की माने तो अयोध्या में तो राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। तो क्या है इस वीडियो की हकीकत, हमने इसका वायरल टेस्ट किया।
हमारी फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल तस्वीर का टेस्ट किया। हमारी पड़ताल में ये बात साफ हुई कि तस्वीर के साथ जो दावा किया गया है वो गुमराह करने वाला है। दरअसल ये तस्वीर अयोध्या की है ही नहीं, ये तस्वीर अगस्त 2017 की मुंबई की है, जब वहाँ मराठा समुदाय के शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया था। यानी सोशल मीडिया पर अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ के नाम पर जो वीडियो और जो तस्वीर वायरल हो रही है वो अलग अलग जगह की है। हमने वायरल वीडियो की भी पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि ये वीडियो भी अयोध्या का नहीं है, बल्कि इसे इसी साल मार्च में कर्नाटक के कालाबुर्गी में उस वक्त शूट किया गया था जब वहाँ रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। वीडियो में जो धार्मिक स्थल दिख रहा है वो कालाबुर्गी के कादरी चौक पर स्थित सैयद शाह यूनुस कादरी का है। वीडियो को गौर से देखा जाए तो इसमें एक बस दिखाई देती है जिस पर कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस लिखा है। इससे साबित होता है कि ये वीडियो कर्नाटक का है। हमारी पड़ताल में ये बात साबित हुई कि ना तो वायरल तस्वीर अयोध्या की है और ना ही वायरल वीडियो, लिहाजा हमारे वायरल टेस्ट में ये तस्वीर और वीडियो फेल हो गया। अर्जुन डिडोरिया के साथ निखिल डाबर, आज तक। पाकिस्तान में गोविंदा स्टाइल ठुमके लगाने वाले दरोगा जी की पड़ताल बस थोड़ी देर में करेंगे, देखते रहिए वायरल टेस्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।